वो मैं शुरू से करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर भी कोशिश की है। उम्मीद है ट्रेलर में आपको उसकी झलक दिखी होगी, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है, लेकिन एक लाइट वे में कैसे कहना है वो मैं ट्राई करता हूं, वही मैंने कोशिश की है। मेरा क्वेश्चन है इनामदार जी से, आपने अपना रोल जो है इस मूवी में कितना एंजॉय किया और कहां तक किया और कितना फेसिंग किया, कुछ ट्रबल हुआ या कुछ? इनसे पहले मैं बता दूं, इतना एंजॉय किया कि ट्रेलर में देखने के बाद ये बोल रहे थे, अरे ये डायलॉग भी मैंने बोला है क्या, मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे शूट करते वक्त, इन्हें याद नहीं था कि इन्होंने क्या क्या बोला है उसमें। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड ए लिटिल करेक्शन, मेरा नाम बड़ा बिगड़ता जा रहा है। मैं शहर में नाम कमाने आया था, कभी स्पेलिंग और कभी प्रोनाउंसिएशन। मेरा नाम इनामुलक है एंड आई एम नॉट अ टूरिस्ट। माय नेम इज इनामुलक एंड आई एम नॉट अ टूरिस्ट, सो प्लीज मेक अ करेक्शन। सो एक्चुअली आई एंजॉय एवरी ऑफ माय कैरेक्टर व्हेन आई एम बेसिकली आई डोंट प्ले ऑन स्क्रीन, आई क्रिएट सम कैरेक्टर एंड आई लिव देम फॉर अ व्हाइल, तो आई वाज लिविंग दैट कैरेक्टर और वो मेरे पर्सनैलिटी के थोड़ा नजदीक है, जितना चंचल थोड़ा सा मैं हूँ तो ये कैरेक्टर भी है। सो आई वॉज एंजॉइंग ओवर द टॉप, कभी कभी मैं इन सबकी नाक में दम था, यार इसका रिमोट किधर है, इसको बंद करो। सो थोड़ा सा वो भी था, बट आई रियली अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं तीनों के सवाल सुने, तीनों के जवाब दूंगा। सो पहला जो उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कहना कुछ बनता है, जो आपका पहला सवाल था दिवेंदु जी से, उसमें मेरा से ये है कि your question was somewhere related to the politics. I would just like to clarify here that our film nothing to have to do nothing with the politics. It's a pure concern with the farmer actually, which actually need to be addressed. So aapke sawal mein, aapke jawab mein mera add on hai ki kyunki jo moment hua, jo hua, jaise hua, jo jo policy chal raha, that's a politics. This is a pure cinema about the pure concern with the farmers. And jab hum padhte hain ki akhbar mein कि यार विदर्भ में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, सूखा पड़ा, ये क्या, हम चाय पीते वक्त, नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट पे वो पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। हम में से कोई फिर ये नहीं सोचता कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत कम उसका परसेंटेज है, सॉरी मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत कम। हम करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है कि हमारी खुद की इतनी लगी पड़ी है लाइफ में, हमको निकलना है, ऑफिस जाना है, ये करना वो करना, इंटेंशन हो सकते हैं हमारे कि हम उनके लिए कुछ करें लेकिन कर नहीं पाते मजबूरी में। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई रियली रेस्पेक्ट द सेकंड क्वेश्चन कि आपने क्यों चुना ये वाला सब्जेक्ट बनाना। ऐसे टाइम पे मैं इस तरह के प्रोड्यूसर को सिर्फ सैल्यूट करना चाहता हूँ, बिकॉज दे हैव मनी एंड दे कैन प्रोड्यूस अ फिल्म हियर, सो मच ऑफ नाच गाना ब्ला ब्ला ब्ला, दे कैन अर्न मेक मनी आउट ऑफ इट, बट इफ दे आर इन्वेस्टिंग दैट मनी इन द राइट कंसर्न सिनेमा देन दे डिजर्व अ सैल्यूट, प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। एंड डायरेक्टर साहब के साथ जो आपका सवाल था कैसे पास किया, उसमें भी आऊंगा। सबसे पहले फराज भाई के 4 साल लगे इस फिल्म में, हम लोगों को 2 साल हो गए इंतजार करते करते, इन्होंने बनने से पहले भी 2 साल लगे तो इनके 4 साल लगे। सो फराज भाई और हम स्ट्रगलिंग डेज में हमारी ट्रेन में मुलाकात हुई थी, पश्चिम एक्सप्रेस में, हम लोग दिल्ली बॉम्बे ट्रेवल करते थे, तो कॉमन फ्रेंड मिल गए, अरे कैसे हैं, अरे हैं, मैं कबाब खा रहा था तो मैंने, इन्होंने कहा हाँ प्लीज कबाब खाइए, और हमारी दोस्ती हो गई। उस कबाब के बदले मैंने कई साल इंतजार किया, ये बंदा मेरे को अपनी फिल्म में कास्ट करेगा। पहली फिल्म बना दी, अब मेरी आदत है कि मैं सामने से काम नहीं मांगने जाता, काम लेने, बट पहली फिल्म आ गई, इसने पूछा नहीं, मुझे लगा कबाब वेस्ट हो गया। दूसरी फिल्म मैं 2 साल तक वेट करता रहा, फिर दूसरी फिल्म में क्या यार अब पूछेगा ये बंदा, मैंने कहा नहीं नहीं अब। तीसरी इनकी आई, उसका भी प्रोसेस था। चौथी फिल्म में अचानक एक दिन फोन आया कि इनाम भाई एक रोल है करोगे क्या, मैंने कहा वाह मेरा कबाब काम आ गया। तो ऐसे कास्टिंग हुई कि कभी कभी कबाब भी काम आ जाते हैं, खिलाते रहिए खाते रहिए। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आपके आने से पहले पूछे थे, उन्हें फिल्म में कवर कर लेंगे। सिद्धार्थ जी रिमेंबर द क्वेश्चन, तो वो देखे जाइए। इनके पास मेरा रिमोट है। अनंत मेरा सवाल आपसे है, इतना इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा है फिल्म के माध्यम से कहीं किसानों को एड्रेस करने का, उनके उनके लिए जो कंसर्न है, फिकर है, वो जताने की कोशिश है, और आप और दिव्यंतु दोनों बहुत, बल्कि तीनों जितनी भी कास्ट यहाँ मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आप हैं इस फिल्म के अंदर। कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब सब कुछ आपके कंधे पे हो, इन टोटल यू नो यू थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। देखिए जी, हम तो इस जिम्मेदारी का इंतजार ही कर रहे थे बहुत अरसे से, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये कि कोई जिम्मेदारी दे रहा है हमें। तो हर एक्टर, और सिर्फ एक्टर ही नहीं, अगर आप समाज, क्योंकि आपने काफी सोशल इशू वाला भी सवाल पूछा है, तो
तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज होती है कि किसी ने आपको इस लायक समझा कि आप ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं, और हम अपने काम के थ्रू यही कोशिश करते रहते हैं कि आप हमें और जिम्मेदारी दीजिए, और जब वो जिम्मेदारी मिलती है तो आपका काम भी और बेहतर होता है और वो चमकता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जब इस तरह का कोई इशू हो और उसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हो तो वो आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद ये कि भाई जैसे एक्टर्स आपको साथ मिलते हैं, दिवेंदु हैं, इनाम भाई हैं, जैसे डायरेक्टर साहब हैं हमारे, तो आपका काम और आसान हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है अच्छे एक्टर्स के बीच, और इतनी अच्छी कहानी है तो वो तो काम बल्कि और आसान होता चला गया, और बहुत कमाल का मतलब बहुत ही कमाल की जर्नी रही। और ऐसी जिम्मेदारी बल्कि और जिम्मेदारियां और इससे बड़ी बड़ी मिले तो हम तो इंतजार कर रहे हैं उसका। तो वैशाली जी आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है, हालांकि ट्रेलर है, बहुत जल्दी है कुछ भी कहना आपकी तरफ से। क्या आपको लगता है जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं, आप किसानों को लेकर इतने फिक्रमंद हैं, इस फिल्म को स्टेट या केंद्र सरकार से टैक्स फ्री भी कराना चाहिए बिफोर द फिल्म? आपने बहुत अच्छी अच्छी बात को छेड़ा है, थैंक यू सो मच, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी वो प्रोसेस में है, बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन स्टेट को जा चुके हैं और बहुत इजी हो जाएगा टैक्स फ्री करना, क्योंकि हमें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं ये फिल्म को ऑलरेडी, बिफोर इट गॉट रिलीज वी गॉट सो मेनी अवार्ड्स। सो प्लीज मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा आप भी कुछ कीजिए, एम्प्लीफाई। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज दैट आज के डेट पे किसानों के लिए काफी सारे स्कीम्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, एंड काफी सारे जगह ऐसे भी हैं जहां पे ये सारा मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल भी नहीं है, तो फॉर दोज पीपल हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प, एंड इस चीज में आपने कितना इस बात को ध्यान में रखा है? मैं इसका एक वन लाइन में जवाब दूंगा, मेरी फिल्म में भी वो डायलॉग है, आपने सुना भी होगा ट्रेलर के अंदर कि अगर किसान आत्मनिर्भर बनेगा तब हमारा देश बनेगा। दैट मींस कि मैं हमने जो कोशिश की है वो इस फिल्म में ये की है कि एक फार्मर को ना स्कीम्स की जरूरत पड़े ना ही लोन की जरूरत पड़े, वो कैसे पॉसिबल होगा, वो दिखाने की कोशिश हमने इस फिल्म में की है कि हमारा किसान एक सेल्फ कॉन्फिडेंस किसान कैसे बन सकता है, जो दूसरे कंट्रीज में हम देखते आ रहे हैं, अर्जेंटीना, इजराइल और चाइना, ब्राजील, इन सभी कंट्रीज के जो किसान हैं अगर आप उसके ऊपर देखेंगे कि वो किस लेवल पर हैं, तो मैं बस चाहता हूं कि हमारे देश का किसान उस लेवल पर पहुंचे और उसको किसी की हेल्प की जरूरत ही ना हो। ऑल्सो ये एक तो जज्बे की बात होती है ना, कि जज्बा है कि वहां पे पहुंचे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं टेक्निकलिटी, वो भी हमने फिल्म में बात करी है। जैसे छोटी सी बात है कि आपको सॉइल पहले टेस्टिंग करनी है, आप कम जमीन पे अपनी फसल करते हैं तो उतना नहीं हो पाएगा, अगर आप जमीन जोड़ के करते हैं तो ड्रोन्स कैसे आज की डेट में हेल्प कर सकते हैं। तो ये मतलब ये ऐसी वाली चीज है, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मुझे सच में लगा कि अगर मैं सच में किसी गांव में जाके ये बात करूंगा तो शायद हम एक्चुअली में लोगों की हेल्प कर पाए। जो मैं आपसे कह रहा था कि जब हम उस सियोर गांव में करते थे तो वो लोग सच में समझ रहे थे इस बात को कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। सो देयर आर दोस टेक्निकलिटीज आल्सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस, मे आई प्लीज? प्लीज। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एजुकेटिंग पीपल, एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट सिनेमा इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन चेंज द डेस्टिनी एंड द सिचुएशन ऑफ एनी कंट्री, एनी सिस्टम, एनीथिंग। लाइक मैं हमेशा से कहता हूं कि सिनेमा चश्मा यहाँ पहनाना सिखा सकता है तो किसानों को ये भी सिखा सकता है, सॉइल टेस्टिंग और ड्रोन और ये सब चीजें। सो बट दिस इज अबाउट कि एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, क्या हम स्कूलों में उन्हें पढ़ाएंगे, वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, कोई भेजेगा नहीं, दुनिया भर के और तमाम तरह के एजुकेशन सिस्टम है। सो वाई नॉट दिस टूल, दिस वेपन यूजिंग फॉर द राइट पर्पज। सो अगर ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे।